बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले पर नीतीश कुमार के चुप्पे पर उठाए सवाल, कहा बोफोर्स घोटाले पर आवाज उठाने में आगे थे, अब चुप क्यों। लखनऊ में सीतापुर के समाजवादी पार्टी के विधायक रामपाल यादव और समर्थकों का हंगामा, लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम के साथ की धक्का मुक्की। विधायक की अवैध बिल्डिंग गिराने गई थी एलडीए की टीम, विधायक समर्थकों ने खुलेआम लहराई पिस्तौल। विधायक के गुर्गों ने एलडीए के सचिव को पीटा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, एमएलए का गुर्गा भी पकड़ा गया। सीतापुर में विधायक रामपाल यादव के खिलाफ कार्रवाई, अवैध रूप से बने स्पर्श होटल की दीवार गिराई गई। हाईकोर्ट के आदेश पर गिराई गई होटल की दीवार, होटल मालिक पर रामपाल यादव की सरपरस्ती का इल्जाम। बिहार के खगड़िया में पंचायत चुनाव के दौरान फ्लैग मार्च कर रही पुलिस ने लोगों पर बरसाए डंडे, दो लोग गंभीर रूप से जख्मी। बिहार के वैशाली जिले के जसपरहा पंचायत में दबंगों की फायरिंग पर दलितों का हंगामा, दबंगों पर बूथ लूटने का लगाया आरोप। बिहार के समस्तीपुर में पंचायत चुनाव के दौरान बवाल, बोगस वोटिंग से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस को घेर कर किया हंगामा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसक झड़प, पुलिस की मौजूदगी में बूथ लूटने की कोशिश, लुटेरों ने की पुलिस वालों से मारपीट। केरल के चवारा जिले में मंत्री शिवु बेबी जॉन पर एक टीवी डिबेट के दौरान हमला, सीपीएम नेता पर हमले का आरोप। परिजन की हत्या पर दिल्ली के तुर्कमान गेट पर लोगों का हंगामा, तीन बसों के शीशे तोड़े और गाड़ियों को पंक्चर कर रोका। तुर्कमान गेट निवासी अहमद सईद का नोएडा में हुआ था कत्ल, रिश्तेदारों ने कहा कत्ल में स्थानीय लोगों का हाथ। दिल्ली में मयूर विहार के पास NH24 पर कार ने मारी डिवाइडर में टक्कर, चालक समेत तीन घायल, एक की हालत गंभीर। हादसे के वक्त काफी तेज थी कार की रफ्तार, डिवाइडर से टकराकर सड़क की दूसरी तरफ पहुंच गई कार, कार से मिली शराब की बोतल। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में डॉक्टर के क्लिनिक पर रात में गोलीबारी, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। दिल्ली के मंडावली में लूट का विरोध करने पर चार बदमाशों ने शख्स पर किया ब्लेड से हमला, 156 टाके लगे। आगरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा, पटाखों से भरी ट्रक में लगी आग, लपटों और धमाकों से मची दहशत। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गॉड ग्रीन सोसाइटी में एसी से लगी फ्लैट में आग, बाल बाल बचे लोग। फरीदाबाद में दहेज के लालच में दुष्कर्मी ने की महिला कांस्टेबल की गला दबाकर हत्या, परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज लेकिन आरोपी सिपाही फरार। दिल्ली में एक टैक्सी ड्राइवर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, कारोबारी को वापस लौटाए 4.5 लाख से भरा बैग। असम के तिनसुकिया में आईईडी ब्लास्ट, 11 लोगों की मौत, उल्फा उग्रवादियों पर शक। यूपी के हापुड़ में NH24 पर भीषण हादसा, बस से कुचलकर दो भाइयों की मौत। मथुरा महावन थाना क्षेत्र गोकुल बैराज पर स्कूल बस पलटने से चार छात्र घायल, एक की हालत नाजुक। राजस्थान के राजसमंद में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत। कानपुर के बरा इलाके में गुरुवार रात नाले से जहरीली गैस निकलने से हड़कंप, चार बीमार। जयपुर में हाथी दांत के तस्कर अनुराग तिवारी को गोदाम पर छापा, 150 करोड़ के वन्य जीवों और एंटीक सामानों की तस्करी का भंडाफोड़। गोदाम से हाथी दांत से बने करीब 1000 सामान मिले, गैंडे के सींग, 15वीं सदी के हथियार और बेशकीमती पेंटिंग्स का जखीरा भी मिला। उज्जैन के सिंहस्त कुंभ में संतों की शिकायत पर पुलिस की छापेमारी, कॉम्बिंग ऑपरेशन में साधुओं के भेष में धरे गए कई चोर, लाखों नगद और मोबाइल बरामद। राजस्थान के झालावाड़ में भवानी मंदिर में व्यापारी से दिनदहाड़े 8 लाख की लूट, बाइक पर सवार दोनों लुटेरे फरार। पटना में एक होटल में शराब पीते तीन लोग गिरफ्तार, अपने दोस्त के शादी में शामिल होने पटना आए थे तीनों। यूपी के बांदा के मिलाथू गांव में हर्ष फायरिंग में दूल्हे का मामा की मौत, बारात निकासी के वक्त हो रही थी फायरिंग। यूपी के बरेली में बहन को प्रेमी संदेह, भाइयों ने खोया आपा, बहन और प्रेमी की बेरहमी से पिटाई की, प्रेमी ने भागकर बचाई जान लेकिन इलाज के दौरान बहन ने तोड़ा दम। यूपी के जौनपुर रेलवे स्टेशन पर शख्स ने गोली मारकर की खुदकुशी, बेटी ने लगाया था यौन शोषण का आरोप। जौनपुर जिले से गायब छात्रा का कंकाल खेतासराय के जमदहा गांव के खेत से मिला, आरोपी प्रेमी की निशानदेही पर बरामद हुआ कंकाल।
कोटा में पुलिस भर्ती के दौरान दूसरे प्रतियोगी बदले दौड़ने आए 10 युवक गिरफ्तार, गिरोह के 3 सरगना भी धरे गए। पटना के बोरिंग रोड के पास हरिहर चैम्बर अपार्टमेंट के छत पर आग लगने से भगदड़, शादी समारोह में आतिशबाजी से लगी थी आग। राजस्थान के बीकानेर में आग की चपेट में आया पूरा गांव, 50 घर जलकर खाक, सैकड़ों लोग बेघर। लखीमपुर खीरी के में एमए की छात्रा की जली हुई लाश घर से मिलने पर सनसनी, युवती की 16 दिन पहले हुई थी सगाई, सुसाइड नोट भी बरामद। पंजाब के बरनाला में किसान और उसकी मां के खुदकुशी मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दोनों शवों के संस्कार के लिए यूनियन तैयार। जालंधर विजिलेंस विभाग ने फगवाड़ा जेल में तैनात डिप्टी जेल सुप्रिंटेंडेंट को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, जेलर पर पहले भी 2 बार घूस लेने का आरोप। 1 मई को पीएम जाएंगे बलिया, लौटकर दोपहर में वाराणसी के डीएलडब्ल्यू मैदान में ई रिक्शा का करेंगे वितरण, रात 8 बजे वापस लौटेंगे दिल्ली। जून में अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 8 जून को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सभा को करेंगे संबोधित। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी वडेरा को जारी किया नोटिस, राज्य में भूमि खरीद मामले पर नोटिस। राज्यसभा सांसद बने बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू, आज तक से कहा अब सदन के भीतर भी लगेंगे चौके छक्के। पंजाब की सियासत को लेकर नाराज है सिद्धू, पीएम मोदी को बताया रोल मॉडल लेकिन कहा अकाली के साथ पंजाब में नहीं करूंगा प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अरविंद केजरीवाल का नया हमला, सीवीसी को लेकर चिट्ठी, पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग। पंजाब में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब और हरियाणा बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे अरविंद केजरीवाल। भवानीपुर में जीत के लिए ममता ने झोंकी ताकत, कांग्रेस की दीपा दास मुंशी और बीजेपी के चंद्र बोस से है मुकाबला। एनआईटी को लेकर जारी है सियासत, कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मानव संसाधन विकास मंत्री से की मुलाकात। श्रीसंत ने तिरुवनंतपुरम से भरा पर्चा, बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व क्रिकेटर। ऑडिविन को लेकर दिल्ली सरकार ने फिर की साजिश की चर्चा, परिवहन मंत्री गोपाल राय बोले यमुना किनारे लगाई गई आग, 3 गुना ज्यादा आग से बढ़ा प्रदूषण। कन्हैया मामले पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 4 हफ्ते में मांगा जवाब, पुलिस ने जमानत खारिज करने की लगाई थी अर्जी। कांग्रेस में हुआ हरियाणा जनहित, कांग्रेस का विलय, कुलदीप बिश्नोई बोले पार्टी को मजबूत करने के लिए करेंगे नई शुरुआत। जालंधर कैंट से अकाली विधायक और पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह अपनी ही सरकार से नाराज, सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट में देरी को लेकर बादल सरकार पर साधा निशाना। बिहार के फुलवारी शरीफ में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने FCI गोदाम का जायजा लिया, कहा देश में खाद्यान्नों के रखरखाव पर सरकार का जोर। विजय वाले को भारत लाने की तैयारी, विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन को चिट्ठी लिखकर की फर्जीवाड़े की आरोपी को सौंपने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने NEET के जरिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश को दी मंजूरी, 2 चरणों में MBBS और BDS की परीक्षा देंगे करीब 6.5 लाख छात्र। बिहार विधानसभा भवन को उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला, सचिवालय DSP के नेतृत्व में टीम का गठन। ड्रग्स रैकेट में पति विक्की गोस्वामी का नाम उछलने पर पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की सफाई, आज तक से कहा खुद को बचाने के लिए आरोपियों ने लिया विक्की का नाम, पुलिस ने ममता के दावे को किया खारिज। हाजी अली दरगाह में प्रवेश नहीं कर पाई भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई, आजाद मैदान थाने से देर रात पुणे रवाना। हाजी अली दरगाह में घुसने से रोकने के बाद मुख्यमंत्री आवास की तरफ काफिले के साथ जा रही थी तृप्ति देसाई, रास्ते में पुलिस ने लिया था हिरासत में। मुंबई के मालवाणी में फैशन डिजाइनिंग की छात्रा हिना जिलानी की खुदकुशी, सनसनी, सुसाइड नोट में लिखा मेरी आत्महत्या का जिम्मेदार कोई नहीं। मुंबई के नाहौर इलाके में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के पास झाड़ियों में आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने 7 घंटे में बुझाई आग। मुंबई के मरीन लाइन में एक निजी स्कूल ने फीस न भरने से 6 क्लास के एक छात्र का काटा नाम, पैसा वसूली के खिलाफ आवाज उठाने से निकालने का पिता ने लगाया आरोप। गुजरात के जामनगर में पानी की भारी किल्लत, विरोध में सड़कों पर उतरी महिलाएं। नागपुर में भी चढ़ते तापमान से सूखे ताल तालाब, ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी से लोग परेशान। गर्मी से सब्जियों की पैदावार में असर, लखनऊ में दुगनी हुई सब्जियों की कीमत।
यूपी के प्रतापगढ़ में साफ पानी को लेकर पड़ोसी की दबंगई, छात्रा के साथ कई महीनों से अश्लील व्यवहार, सरकारी हैंडपंप से भी पानी भरने से किया इनकार। जम्मू और श्रीनगर में भी पानी की जरूरत से कम सप्लाई, 40% पानी हो रहा है बर्बाद। राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए केरल सरकार केंद्र से करेगी बात, राजस्व मंत्री अदूर प्रकाश ने किया ऐलान। बोर्ड शक्तिमान को देहरादून पुलिस की श्रद्धांजलि, शक्तिमान होगा पुलिस लाइन में बनने वाले पेट्रोल पंप का नाम। उत्तराखंड के पौड़ी में चाचा ने यादगार बनाई भतीजे की शादी, हेलीकॉप्टर से दुल्हन को किया विदा। तंगी की हालत में गुजर रहे हैं चावल के दानों पर राष्ट्रगान लिखकर सुर्खियों में आए कमलेश, पेंसिल के नोक पर उकेरा था ओबामा का चित्र। श्रीनगर के एक मंदिर में 27 साल बाद फिर से शुरू हुई पूजा, मुसलमानों ने प्रॉपर्टी माफिया के कब्जे से छुड़वाकर कश्मीरी पंडितों को सौंपा। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया, मुंबई ने बनाए थे 5 विकेट पर 174 रन। मुंबई की जीत में करांग पोलार्ड की आतिशी 50, सिर्फ 17 गेंदों पर बनाए नाबाद 51 रन। रोहित शर्मा चुने गए मैन ऑफ द मैच, रोहित ने 49 गेंदों पर बनाए 68 रन। कोलकाता के कप्तान गौतम गंभीर के 50 पर फिरा पानी, गौतम ने 45 गेंदों पर 59 रन बनाए। पुणे सुपर जायंट्स से जुड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा, चोटिल डुप्लेसी की जगह लेंगे। मुंबई इंडियंस और पुणे सुपर जायंट्स के ग्रे मैदान का आज होगा फैसला, दिल्ली में आईसीसी गवर्निंग काउंसिल की बैठक। डांस फ्लोर पर विराट कोहली ने दिखाया दम, क्रिस गेल की वेलकम पार्टी में जमकर नाचे। बेबी की डिलीवरी के बाद वेस्टइंडीज चले गए थे गेल, लौटने पर आरसीबी के खिलाड़ियों ने मनाया जश्न। गेल की वेलकम पार्टी में ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन ने गाया गाना। न्यूजीलैंड ने तीनों फॉर्मेट के लिए केन विलियमसन को बनाया कप्तान, टेस्ट में कप्तानी करने वाले न्यूजीलैंड के 29वें खिलाड़ी होंगे विलियमसन। फिल्म रईस को लेकर मुश्किल में फंसे शाहरुख खान, गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बेटे की अर्जी पर अहमदाबाद की अदालत ने जारी किया नोटिस। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की शादी की रस्में शुरू, बिपाशा ने शेयर की तस्वीरें। भाभी जी घर पर है सीरियल से विदा लेने वाले, शिल्पा शिंदे उर्फ अंगूरी का शुभांगी अत्रे पर आरोप, कहा मुझे कॉपी कर रही है शुभांगी। स्टार परिवार अवार्ड्स में दिव्यांका त्रिपाठी की धूम, जीते कुल 6 अवार्ड्स। सीरियल अशोका में अशोक का किरदार निभा रहे सिद्धार्थ निगम ने आखिरी एपिसोड की शूटिंग पूरी की, इसके बाद सीरियल में दिखेगा कई सालों का लीक। तो देशों के दौरे के पहले चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 21 तोपों की सलामी के साथ हुआ स्वागत। चीन के जियांगजू प्रांत में राहत कर्मियों ने बचाई 3 साल के बच्चे की जान, कार के सनरूफ में फंस गया था बच्चे का सर। सीरा के अलप्पो में बागियों के नियंत्रण वाले इलाके में भीषण बमबारी, बागियों ने भी सरकारी नियंत्रण वाले इलाकों में की बमबारी। सीरा के अलप्पो शहर में हवाई हमले में बाल बाल बची लड़की, बिल्डिंग के बलबे से लोगों ने बच्ची को सुरक्षित निकाला। अमेरिका के मिसिसिपी में पुलिस ने भारी बारिश में फंसे 20 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला, सड़कों पर सीने तक भर गया था पानी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अब अगस्टा वेस्टलैंड लोग को लेकर के आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट में तो हमने अभी दो मोशंस के लिए इंडिया एंड शिवन वाज एक्साइटेड अबाउट इट, सो या हियर शिवन विद हिज रिव्यू ऑफ द हुआई वॉच। यू मेक अ स्मार्ट वॉच लुक लाइक एन एनालॉग वॉच एंड यू आर श्योर टू